कल मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के कमेंट्स वगैरह पढ़ लिए जाएं। और जब मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े तो मुझे पता लगा कि आप में से ज़्यादातर लोग हॉरर स्टोरीज और वीडियोस की डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही कुछ बनाया जाए। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानिए, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, जब मैं इस घटना के ऊपर रिसर्च कर रहा था, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहा था, तो सच में मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, शायद हो सकता है कि आप इस वीडियो को पूरा भी ना देख पाए, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसे पहले कि आपके रोंगटे खड़े हों, आप इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। सन 1973 में स्पेन के साउथ मैड्रिड इलाके में बने वेलासस में एक लड़की का जन्म हुआ और किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में ये लड़की पुलिस के सामने एक ऐसा केस लेकर आएगी जिसमें पुलिस वालों को भी अपनी ही आंखों देखी चीज़ों पर विश्वास नहीं होगा। तो स्टेफनिया मैड्रिड में ही बने लुइस मैरियान एट नाम के इस घर में रहा करती थी। उसकी जिंदगी के 18 साल बहुत खुशी से बीते, कोई दिक्कत उसकी जिंदगी में नहीं आई और अब उसने कॉलेज में भी अपना एडमिशन करवा लिया था। अब क्योंकि वो कॉलेज जाने लगी थी, उसे नए नए लोग मिलने लगे थे, लेकिन नए लोग मिलने से क्या किसी के बर्ताव में चेंज आ सकता है? आपका जवाब ना होगा, लेकिन हाँ, स्टेफनिया के बर्ताव में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका था। उसका बिहेव पूरी तरह से बदल चुका था। पहले सब कुछ सही था, लेकिन हालात यहाँ एकदम से बदले थे। जी हाँ, एकदम से वो अपने भाई को देखते ही उसके ऊपर गुर्राने लगती, उसे काटने के लिए दौड़ती। और तो और, सबसे डरावना तो तब था जब वो उसे किसी सांप की तरह पिस पिस की जो आवाज़ें सांप निकालता है, उस तरीके से सांप की आवाज़ें निकाल के उसके ऊपर हमला कर देती। यहाँ तक भी सब कुछ नॉर्मल था, घर वालों को कोई टेंशन नहीं थी, उन्हें लगा कि यहाँ स्टेफनिया अपने भाई के साथ मजाक ही कर रही है। लेकिन हालात तब ज़्यादा और बिगड़ गए जब उनको रातों को स्टेफनिया के कमरे से स्टेफनिया की चिल्लाने की, रोने की, और लकड़ी की, उस समय दीवारें होती थी उनके घरों में, तो उस लकड़ी के दीवारों को खुरचने की आवाज़ें आने लगी। स्टेफनिया के परिवार में उसके माता पिता, उसकी एक और बहन और उसका एक भाई था। अब ये टोटल 5 लोग इस घर में रहा करते थे, तो इन 5 में से 4 लोग स्टेफनिया को छोड़कर बाकी के 4 लोगों को स्टेफनिया की बड़ी टेंशन होने लगी। उन्होंने सोचा कि क्या एकदम से हमारी लड़की के साथ हो गया है, 18 साल हो गए थे इसको हमारे साथ रहते हुए, कोई दिक्कत आज तक नहीं आई थी। उन्होंने स्टेफनिया से भी इसके बारे में बहुत पूछा, लेकिन उसने बस कहा कि रात के समय, जी हाँ रात के समय, कभी कभी उसे एक साया दिखाई देता है। अब वो साया किस चीज़ का था वो तो उसने नहीं बताया और ना ही मुझे पता चल पाया। खैर, उसे बस एक रात को साया दिखाई देता है और वो साया देखते ही उसे एक दौरा सा पड़ता है, जिसके बाद वो अपना आपा खो देती है और ये सब उसके सामने होता है। वो चिल्लाती है, वो रोती है, वो खुरचती है, वो अपने भाई को काटने के लिए दौड़ती है, वो एक सांप जैसा कुछ बन जाती है। ये देखते ही उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन परेशानी यहाँ सिर्फ ये नहीं थी कि वो ये सब काम कर रही थी, परेशानी यहाँ एक और भी थी कि स्टेफनिया की जो हालत थी, जी हाँ शारीरिक जो हालत थी, वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। पहले उसके हल्के से बाल झड़े, उसके बाद उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया। अब अपनी बेटी को इस तरह से कमजोरी का शिकार होते देख घर वालों को बड़ी टेंशन हुई। उन्होंने स्टेफनिया से फिर पूछा कि अगर कोई बात है तो हमें बता दो, हम उसका इलाज करवा देंगे। स्टेफनिया ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस तंत्र मंत्र वगैरह की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और तब से ही ऐसा हो रहा है जब से मैं बुक्स वगैरह पढ़ रही हूँ। लेकिन उसकी इस बात पर स्टेफनिया के माता पिता या फिर उसके घर वालों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन अपनी बेटी को इस तरह से कमजोरी का शिकार होते हुए भी वो कैसे देख लेते। 6 महीने इन सब में बीत गए। जी हाँ, वो समय था सन 1991 का, जब ये सब शुरू हुआ था। 1991 के स्टार्टिंग में ये सब शुरू हुआ था और 1991 का अब अगस्त का महीना आ चुका था। जी हाँ, टोटल 6 महीने हो चुके थे ये सब चलते हुए। रात को वो डेली परेशान होते, अपनी बेटी की आवाज़ें वगैरह सुनते, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब तो कम से कम अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। वो तुरंत उसे मैड्रिड के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने चेकिंग करी, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ इस रिजल्ट पर निकल कर आए कि स्टेफनिया को तो एक सिंगल बीमारी तक नहीं है। जी हाँ, शारीरिक रूप से कमजोर होना तो बहुत दूर की बात है, उसे तो एक हल्की खांसी जुकाम तक नहीं है, तो डॉक्टर उसमें अब क्या ही करते। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया गया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये लड़की बिल्कुल नॉर्मल है और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ घर वाले माने कैसे। स्टेफनिया उस हॉस्पिटल में 3 हफ्तों तक भर्ती रही। 3 हफ्तों में शुरुआत का 1 हफ्ता तो उसके घर वाले उसके पास ही थे, लेकिन बाकी के 2 हफ्ते डेली उसके घर वाले उसके पास जाकर मिल आते,
और रात को अपने घर आकर आराम से सो जाते, सुबह वापस अपनी बेटी के पास चले जाते और रात को डॉक्टर्स उसका ध्यान रखते। लेकिन हॉस्पिटल में रहते हुए वो दौरा स्टेफनिया को कभी नहीं आया, जिसके बाद एक दिन अचानक से ही स्टेफनिया उसी हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। जी हाँ, उसे इस हॉस्पिटल में आए 3 हफ्ते ही हुए थे और तभी लगभग 20 से 22 दिनों बाद स्टेफनिया उसी हॉस्पिटल में अपनी जान दे देती है। अब जान कैसे गई ये समझने वाली बात थी। डॉक्टर्स चिल्ला चिल्ला कर उसके माँ बाप को ये बता रहे थे कि तुम्हारी बेटी तो एकदम ओके है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसे अपनी निगरानी में रखा हुआ है, उसको एक सिंगल बीमारी नहीं है। अब सवाल यहाँ डॉक्टर्स के सामने ये था कि वो उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे। वो अभी तक चिल्ला रहे थे कि उसकी बेटी तो ओके है, अब वो ओके कहाँ गया। तुरंत ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाली गई और ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि ऐसा कुछ नहीं था जो स्टेफनिया की मौत का कारण बने। और सिर्फ कारण यहाँ यही बताया गया कि अचानक से ही स्टेफनिया को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। सोचकर देखिए, एक 18 साल की लड़की को दिल का दौरा पड़ कैसे सकता था। आज तो चलो हम मान लेते हैं कि दिल का दौरा पड़ना बहुत आम बात हो चुकी है, लेकिन तकरीबन 31-32 सालों पहले क्या वो चीज़ संभव हो सकती थी जो इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में कही गई? मेरे ख्याल से तो नहीं। खैर, घर वालों को बताया गया, घर वाले अपनी बेटी को उठाकर ले गए और उसका क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ इस परिवार को अपनी बेटी से बहुत प्यार था, तो उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी तो अब चली गई है, तो क्यों ना उसकी यादगार चीजों को ही वो संभाल कर रखें। और इन्हीं यादगार चीजों में से एक था स्टेफनिया का कमरा। जी हाँ, परिवार के चारों लोग उठकर स्टेफनिया के कमरे में गए और उन्होंने देखा कि यहाँ छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हैं, मतलब कि स्टेफनिया की फ़ोटोज़, उसके खेलने की चीज़ें, उसकी किताबें, उसका बिस्तर, उसका बस्ता वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो एक लड़की की होती हैं, वो सब कुछ उसके कमरे में पड़ी हुई थी। तो उसके माता पिता और उसके भाई बहनों ने सारा सामान उठाया और अपनी जगह सिर लगाया और उसका कमरा लॉक कर दिया। बेड वगैरह साफ किया था उन्होंने और चादर वगैरह सेट की थी और उसका कमरा बाहर से बंद कर दिया। एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ते तक वो कमरा 2 या 3 बार साफ किया गया था, लेकिन तभी जब अगले हफ्ते उसके माता पिता उसी कमरे को दोबारा साफ करने के लिए अंदर घुसे तो अंदर का हाल देखकर वो भी दंग रह गए। जी हाँ, जो कमरा उन्होंने 2-3 दिन पहले पूरी तरह से साफ सुथरा किया था, पूरा सेट किया था, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं बिखरी हुई थी, वो सारी चीज़ें अब वहाँ के हालात पूरी तरह से बदले हुए थे। जहाँ चद्दर नीचे पड़ी हुई थी, तकिया कोने में पड़ा हुआ था, सारी फोटोज वगैरह नीचे गिरी हुई थी। और हैरान तो सब तभी हो गए जब उन्होंने फिर से लकड़ी की दीवारों पर नखून के निशान देखे। जी हाँ, स्टेफनिया के मरते ही तुरंत उन्होंने कमरे को सही करवाया था, उसकी रेनोवेशन वगैरह करवाई थी, जो दीवारों पर निशान थे उनको हटवा दिया था, वहां से नई लकड़ी वहां लगवाई गई थी, लेकिन फिर अब ये निशान यहाँ कैसे आए? ये सब देखकर परिवार पूरा डर चुका था, लेकिन उनको लग रहा था कि ये सब जरूर उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, कोई पड़ोसी है जो उनके यहाँ मजे ले रहा है, रात के समय आकर उनके कमरे का ये हाल कर जाता है। इसलिए उन्होंने पड़ोसियों से भी पूछताछ करी कि कोई है तो हमें बता दो, हम ऐसे ही मरे जा रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि ऐसा हम क्यों करेंगे। यहाँ एक और बात जिससे वो सभी लोग परेशान थे और वो थी ठंडी हवा। जी हाँ, जैसे ही वो लोग स्टेफनिया के कमरे में जाते थे तो उन्हें वहां पर ठंडी हवा महसूस होती थी। बाहर गर्मी है, बाहर के कमरों में एसी वगैरह चला रखे हैं, उस समय एसी थे या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ उस टाइम पे गर्मी तो होती ही थी, लेकिन बाहर गर्मी थी, बाहर वो पंखे कूलर वगैरह चला कर बैठते हैं, लेकिन स्टेफनिया के कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। उन्होंने सोचा कि शायद बाहर आंधी वगैरह आ रही होगी, उन्होंने खोल कर देखा लेकिन बाहर एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लेकिन उस स्टेफनिया के कमरे में बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। ये सारी चीज़ें होता देख के परिवार बहुत घबरा गया और उन्होंने सोचा कि वो इस कमरे में अब दोबारा कभी एंटर ही नहीं करेंगे। उन्होंने इस कमरे को बंद किया और उसको नट बोल्ट वगैरह लगाकर परमानेंट लॉक कर दिया। जिस दिन उन्होंने नट बोल्ट वगैरह उस दरवाजे पर लगाया था, उसी रात उनको स्टेफनिया के कमरे से बहुत ज़ोर से मम्मा मम्मा चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जी हाँ, ये आवाज़ और किसी की नहीं थी बल्कि स्टेफनिया की ही थी। ये आवाज़ें सुनकर परिवार बहुत ज़्यादा घबरा गया कि स्टेफनिया की आवाज़ें कैसे आ रही हैं, और ये आवाज़ें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे स्टेफनिया मदद के लिए चिल्ला रही हो और वो सिर्फ मम्मा मम्मा ही बोल रही थी। अभी वो ये आवाज़ें सुन ही रहे थे और तभी उनके सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर
वो पूरी तरह से डर गए। जी हाँ, वो ये आवाज़ें सुनकर नीचे जा ही रहे थे उस कमरे को खोलने के लिए कि तभी उनके सामने ही वो नट बोल्ट अपने आप खुल गए और उसका दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। ये सब देखकर वो और ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने सोचा कि पड़ोसियों को इसके बारे में बताते हैं, पर फिर उनके माइंड में ये भी आया कि पड़ोसियों को बताएंगे तो वो भी उनके ऊपर हंसेंगे, कौन उनकी इन बातों पर यकीन करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके पड़ोसियों को एकजुट किया और कहा कि चलो देखो हमारे घर में क्या हो रहा है। रात के समय पड़ोसी सभी इकट्ठा होकर उनके घर में आए और उन्होंने देखा, वो उस बात के गवाह बने कि हाँ, उस कमरे में कुछ है, जो एक तो वहाँ ठंडी हवा चलती है और दूसरा उसके अंदर से आवाज़ें आती हैं, चीज़ें उलट पुलट एकदम से हो जाती हैं, कुछ तो है। अब वो भी विटनेस बन चुके थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। खैर, सुबह हो गई जैसे तैसे। अब ये सब चीज़ें चल ही रही थी और इसी बीच एक नई चीज़ सामने आई। जी हाँ, वो नई चीज़ ऐसी थी जो मैं आपको बता दूँ तो सच में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जिस कॉलेज में स्टेफिना ने एडमिशन लिया था, उसी कॉलेज की चार टीचरें, जी हाँ चार टीचरें इकट्ठा होकर स्टेफिना के घर पहुंची और सीधा उसके माँ बाप से बात करने लगी। और उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम स्टेफिना के कॉलेज के टीचर हैं और हमें आपसे स्टेफिना के बारे में कुछ बात करनी है, हमें कुछ आपको बताना है जो हम बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेफिना के पापा ने पूछा कि आप अब बताने क्यों आए हो, अब तो स्टेफिना भी नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि तभी तो हम आए हैं क्योंकि अगर स्टेफिना यहाँ होती तो हम ये बात आपको कभी बता ही नहीं पाते। तो उसके पापा ने कहा कि चलो कोई नहीं, जो भी है हमें जल्दी बता दो। तो स्टेफिना के एक टीचर ने कहा कि स्टेफिना की एक दोस्त है और उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था। जी हाँ, स्टेफिना की एक लड़की दोस्त और उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड, और उस लड़की का वो बॉयफ्रेंड जो था वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। लेकिन इसी कॉलेज में एडमिशन लेने के दौरान ही, उसके कुछ दिनों बाद ही, लड़की के उस बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जी हाँ, बाइक एक्सीडेंट में वो लड़का टपक गया। लेकिन अब जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, यानी कि स्टेफिना की जो दोस्त थी, वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो डिप्रेशन में चले जाने लगी और वो उसका रोना नहीं रुक रहा था। स्टेफिना इस बात से बहुत परेशान थी। तो एकाएक वो लड़की और स्टेफिना और उनकी दो दोस्त और कॉलेज के एक ग्राउंड में कोने में बैठी हुई थी। उस समय इन चार टीचरों में से दो टीचर्स कॉलेज के ग्राउंड से ही पास कर रही थी और उन्होंने देखा कि सामने चार लड़कियों का एक झुंड बैठा हुआ है। और जब वो चारों लड़कियों को चेक करने के लिए वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि इन चारों लड़कियों के बीच में एक लकड़ी का बोर्ड सा रखा हुआ है। जी हाँ, जिसे हम वूडू वगैरह भी कहते हैं, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे वूडू वगैरह कुछ कहते हैं। वो बोर्ड सा रखा हुआ था जिसके ऊपर तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं, और उस बोर्ड के ऊपर शीशे का उल्टा गिलास रखा हुआ था और उसे कुछ हिला विला रहे थे वो लोग। और जैसे ही स्टेफिना उस शीशे के गिलास को पकड़ के हिलाती तो वो गिलास अपने आप हवा में उठने लग जाता। अब आप सोचेंगे कि ये सब क्या हो रहा था, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, स्टेफिना अपनी दोस्त का दुख सहन नहीं कर पाई और उसने कहा कि मैं मरे हुए लोगों से बातें कर सकती हूँ। जी हाँ, मरे हुए लोगों को मैं पहचानती हूँ और मुझे पता है कि उनसे कैसे बातें करनी है, तो मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हूँ और तुम्हारी भी बात उससे करवा सकती हूँ। और ये चारों लड़कियाँ वहाँ इसीलिए इकट्ठा हुई थी कि स्टेफिना की दोस्त अपने बॉयफ्रेंड से, मरे हुए बॉयफ्रेंड से बात कर सके। और ये जब तंत्र मंत्र वगैरह चल रहा था तो इसी बीच दोनों टीचर्स वहाँ आ पहुँची। टीचर्स ने ये देखते ही स्टेफिना से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, तो स्टेफिना ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ यहाँ गेम खेल रहे हैं। लेकिन टीचर के दिमाग में कुछ और था, वो समझ गई कि ये कुछ तंत्र मंत्र वगैरह है। उन्होंने तुरंत उसका वो बोर्ड उठाया और उसके दो टुकड़े किए और फेंक दिया। लेकिन यहाँ टीचर हैरान तब हुई जब उन्होंने देखा कि अभी तक जो गिलास उस बोर्ड के ऊपर उल्टा रखा हुआ था, और जैसे ही उन्होंने वो बोर्ड उसके नीचे से निकाला, वो गिलास अभी भी हवा में ही था, वो गिलास नीचे नहीं गिरा। यहाँ ग्रेविटी कहाँ गई? सबसे पहले तो उनके दिमाग में भी यही आया होगा कि ग्रेविटी कहाँ गई। और जैसे ही उस गिलास को स्टेफिना ने छुआ, वो गिलास तुरंत नीचे गिर गया। ये सब क्या चल रहा था? खैर, इसके बाद भी यहाँ अजीब चीज़ों का सिलसिला नहीं रुका। वो दोनों टीचर्स चारों लड़कियों से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी, जी हाँ तभी, एकदम से एक धुएं का गुब्बार, जी हाँ वाइट कलर के धुएं का गुब्बार, पता नहीं कहाँ से प्रकट होकर आया, पीछे से आया और वो सीधा स्टेफिना की नाक से अंदर होते हुए स्टेफिना के अंदर घुस गया। ये सब चीज़ें होती देख वो दोनों टीचर्स पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गई।
उन्होंने पूछा स्टेफिना से ये सब क्या है, तो उसने कहा कि मैडम मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, हम तो यहाँ सिर्फ गेम खेल रहे थे और ये सब चीज़ें अपने आप होने लगी। जिसके बाद उन दोनों टीचर्स ने चारों लड़कियों को कहा कि ठीक है अपने अपनी क्लासेस में चले जाओ, और वो क्लासेस में चली गई। और ये सारी बात अब ये चारों टीचर्स कॉलेज से सीधा स्टेफिना के घर आकर उसके माँ बाप को बता रही थी। घर वालों को भी इस बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि जो तारीखें ये टीचर्स यहाँ आकर उनको बता रही थी कि इसी दिन वो ये सब हुआ था, बिल्कुल उसी दिन से स्टेफिना ने भी अपने छोटे भाई पर घुर्राना वगैरह और रात को चिल्लाना वगैरह शुरू करा था, इसलिए उनको इस बात पर विश्वास करना पड़ा। जिसके बाद ये घरवाले और ज़्यादा घबरा गए। अब उनको यहाँ भी ये भी विश्वास हो चुका था कि उनकी स्टेफिना इसी घर में मौजूद है, वो भूतों से बातें करती थी लेकिन आज वो खुद एक भूत बनकर ठंडी हवाओं के जरिए इस घर में घूम रही है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी उसे जाके थोड़ी बहुत बात करें। तो उन्होंने तुरंत उसका गेट दोबारा खोला, यानी कि उसके कमरे का गेट दोबारा खोला और देखा कि फिर से जो उन्होंने थोड़ी देर पहले ही चीज़ें सेट करी थी वो फिर से अब उथल पुथल हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेफिना की तस्वीर भी जमीन पर गिरी हुई थी। अब कोई माँ अपनी मरी हुई बेटी की तस्वीर ऐसे जमीन पर कैसे गिरा हुआ छोड़ सकती थी। तो उसकी माँ ने तुरंत उस तस्वीर को उठाना चाहा, वो जैसे ही उठाने लगी तुरंत उसने उस तस्वीर को छोड़ दिया। जी हाँ, पूरे कमरे में ठंडी हवा चल रही थी लेकिन ये तस्वीर किसी गर्म लोहे की तरह तप रही थी। उसके पिता ने उस तस्वीर को जिसके बाद उठाने की कोशिश करी, और जैसे ही उसके पिता ने वो तस्वीर उठाई तो सिर्फ उस स्टेफिना का जो चेहरा उस तस्वीर पर था उसमें अपने आप आग लगना शुरू हो गई। सोचकर देखिए, उसके पिता के आंखों के सामने बिना किसी आग के स्रोत के पूरे कमरे में ठंडी हवा है, ना कोई लाइटर, ना कोई माचिस, ना कोई बारूद, लेकिन फिर भी इस फोटो में स्टेफिना का जो चेहरा है उसके अंदर आग लगना शुरू हो गई। उसके ऊपर शीशा वगैरह भी चढ़ा हुआ था, साइड में लकड़ी का फ्रेम भी था, तो ये सब आग कैसे लग रही थी। पूरे फोटो में आग नहीं लगी लेकिन सिर्फ यहाँ स्टेफिना का चेहरा कुछ ही सेकंड्स में देखते ही देखते जल चुका था। ये देखते ही घर वाले और ज्यादा डर गए और उन्होंने उसी दिन प्लम्बर को वहां पर बुलाया और पूरे कमरे को बहुत बड़े बड़े नट बोल्ट्स वगैरह से पूरी तरह सील कर दिया और उस दरवाजे के आगे भी बड़े बड़े सोफा सेट्स वगैरह लगा दिए ताकि कोई इस कमरे को दोबारा खोल ही ना सके। रात फिर हुई और रात के समय फिर से उस कमरे से आवाजें आना शुरू हुई और वो आवाजें और वो शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन्होंने जो नए मोटे मोटे नट बोल्ट्स वगैरह लगाए थे वो भी तोड़ डाले और सामने जो सोफा सेट वगैरह पड़े थे वो भी इधर उधर अब हो चुके थे और वो दरवाजा फिर से खुल चुका था। ये सब देखकर घर वाले फिर से एक बार नीचे इकट्ठा हुए और अब उनका डरना बहुत ज्यादा लाजमी था। वो अब सब कुछ सोच ही रहे थे कि ये घर छोड़ देते हैं, बाद में उन्होंने उसको छोड़ने का प्लान भी बना लिया, लेकिन अगली रात यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक इस घर में नहीं हुआ था। जहाँ वो स्टेफिना का कमरे को बंद करके आराम से अपने कमरे में सो रहे थे और तभी स्टेफिना की माँ और उसका जो पिता था वो साथ में सो रहे थे, और तभी रात के तकरीबन 2:15 बजे स्टेफिना की माँ को ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी भरकम चीज़ उसकी छाती के ऊपर बैठी हुई है और उसका गला दबा रही है। जी हाँ, बहुत मुश्किल से उसके गले से चिल्लाहट निकली और जैसे ही उसके गले से चिल्लाहट निकली उसके साइड में सो रहे उसके पति को यानी कि स्टेफिना के पिता को वो चिल्लाहट सुनी और उसने देखा कि स्टेफिना की माँ यहाँ पर अपने गले को कुछ इस तरह से पकड़े हुए है और छुड़वाने की कोशिश कर रही है। स्टेफिना के पिता ने भी बहुत जोर लगाया और मुश्किल से उसका गला छुड़वा दिया, जिसके बाद स्टेफिना की माँ तो अब बोलने लगी कि मैं तो इस घर में रहूँगी ही नहीं। और फिर यहाँ पहली बार ऐसा हुआ था कि अब इन लोगों ने पुलिस की मदद ली। जी हाँ, रात को 2:40 पर पहली बार यहाँ पुलिस वालों को फ़ोन किया गया। 10 मिनट बाद ही पुलिस की 5 लोगों की टीम यहाँ मौके पर पहुँची और उनको पूरी इस घटना का जायज़ा दिया गया। पहले पुलिस वाले भी इस बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि यहाँ इस घर में ऐसा कुछ भी हो सकता है, जिसके बाद स्टेफिना के घर वालों ने कहा कि चलो हम आपको ही दिखाते हैं वो कमरा और आप खुद देख लीजिएगा कि वहाँ चल क्या रहा है। पुलिस वाले उस कमरे में गए और सबसे पहले जाते ही उन्होंने नोटिस किया कि इस कमरे में तो ठंडी हवा बहुत है, तो उनको लगा कि यहाँ कोई एयर कंडीशनर वगैरह लग रहा है, लेकिन उन्होंने पूरा कमरा सर्च किया, वहाँ उनको कोई ऐसा सुराग तक नहीं मिला जिसके अंदर से हवा तक आ जाए, लेकिन यहाँ इस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। जिसके बाद उनको वही जो पूरे कमरे के हालात देखकर उनको भी ये ऐसा लगने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बाहर आकर डाइनिंग एरिया में बैठ गए और डाइनिंग एरिया में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी उनको उस कमरे से फिर से मम्मा मम्मा चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और घर वालों ने कहा कि हम इन्हीं आवाज़ों से तो परेशान हैं। जिसके बाद अब सुबह लगभग होने ही वाली थी और सुबह तक पुलिस वाले साथ रहे और वो सुबह वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस वाले वहाँ पर आए और अच्छी तरह से फोरेंसिक टीम ने भी उस कमरे की जांच की, लेकिन उनको एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं मिली जो इन सब को करने वाले
जिम्मेदार व्यक्ति का पता बताए, क्योंकि यहाँ पता बता कैसे सकता था, ये सब कर तो कोई भूत रहा था। पुलिस वालों ने कहा कि ये सब कुछ होता कब है, तो उसके घर वालों ने कहा कि आधी रात तक आप यहाँ रुकिए और फिर आप शो देखिए आराम से। तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, आज तो शो हम भी देखेंगे क्या होता है यहाँ पर, हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, अगर कुछ हमें दिखेगा तो हम उसको जरूर सॉल्व कर देंगे और तुरंत क्रिमिनल को पकड़ के अंदर डाल देंगे। लेकिन यहाँ क्रिमिनल को पकड़ते कैसे, एक ऐसा क्रिमिनल जो दिखता तक नहीं है, कहाँ आता है कहाँ से जाता है कुछ नहीं पता। खैर, पुलिस वाले भी उस रात वहीं रुक गए और उन्होंने देखा कि फिर से रात होते ही उस कमरे से ममा ममा की आवाज़ें आ रही हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, दीवार को खुरचने की आवाज़ें आ रही हैं। ये सब देखकर पुलिस वाले भी इस बात के विटनेस बन गए कि जरूर इस घर में कुछ ऐसा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। पुलिस वालों ने इसकी एक जांच रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने सभी एंगल्स देखने शुरू किए कि क्या पता कोई हो जो इनसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो, कोई इनसे अपना ये घर खाली करवाना चाहता हो या फिर इस घर को बिकवाना चाहता हो, इसीलिए ये सब कर रहा हो। लेकिन पुलिस ने अपना पूरा जोर लगा लिया, उनको ऐसा कोई नहीं मिला जो ये सब कर सकता था। जब पूरी तरह से थक हार कर पुलिस वालों ने अपनी जाँच करने भी बंद कर दी और उसके बाद वो सभी इकट्ठा होकर स्टेफिना के घर पहुंचे उसके माँ बाप को एक सलाह देने। जी हाँ, सलाह ये दी कि आप इस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप सभी की जान को भी खतरा हो सकता है। घर वाले ये बात पहले ही सोच रहे थे कि वो घर ये छोड़ देंगे और जैसे ही पुलिस वालों ने उनको ये सलाह दी तो उनके माइंड में जच गया कि वो इस घर को छोड़ देंगे। 91 की वो बात थी जब उन्होंने वो घर छोड़ा, दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद उस घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और कमाल की बात तो ये थी कि दूसरी जगह जैसे ही वो शिफ्ट हुए तभी इस पुराने वाले घर में भी पूरी तरह से शांति का माहौल हो गया। जब उन्होंने उसको आखिरी बार बंद किया था तब उसके अंदर कोई ऐसा शोर नहीं था जो उनको परेशान कर सके। 91 की वो बात थी, आज उस बात को हुए तकरीबन 31 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो घर पूरी तरह से बंद पड़ा है, कोई उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या आप उस घर के अंदर एक बार जाना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। खैर, यहाँ पहली बार ऐसा था कि पुलिस को भी अब अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी थी और जांच रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि यहाँ कुछ ऐसा था, यहाँ कुछ ऐसी आत्माएँ वगैरह थी जो हमें नहीं दिखी और इस घर वालों को परेशान कर रही थी। जी हाँ, ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये वहाँ के पुलिस चीफ ने रिपोर्ट में लिखा और वो कोर्ट के अंदर पेश की गई। सोचकर देखिए वहाँ पुलिस वाले कर क्या रहे थे, क्या कोर्ट भूत प्रेत में विश्वास कर सकती थी? अगर आपका जवाब ना होगा, लेकिन हाँ, उस समय कोर्ट को भी भूत प्रेतों पर विश्वास करना पड़ा था। इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज़ हैं, कुछ दिल दहला देने वाली फोटोज़ हैं जो मैं यहाँ आपको YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से नहीं दिखा सकता। आज रात 9 बजे मेरे Instagram पर वहाँ हाइलाइट्स या फिर स्टोरीज में लग जाएंगी, सो आप मुझे वहाँ अभी से फॉलो कर लें, अगर बाद में फॉलो करेंगे तो आपको हाइलाइट्स में दिख जाएंगी, सो आप मुझे अभी वहाँ फॉलो कर लें। मेरी आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो प्लीज़ वहाँ आ जाएँ और मेरे 25,000 फॉलोवर्स पूरे करवा दें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट लोमेश खरे को एंड कमेंट पिक वीडियो गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।